सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आने वाले न्यू कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मारो कैरेक्टर यहाँ पे बहुत दिन पहले ही हमारे कैरेक्टर सेक्शन के अंदर आ गया था, लेकिन उससे जुड़ा कोई भी इवेंट निकल के नहीं आया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आखिर कौन सा इवेंट होने वाला है जिसके अंदर से आप लोगों को मारो कैरेक्टर मिलने वाला है, आखिर आप लोगों को डायमंड से मिलेगा या फिर फ्री में मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला है। तो कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स की वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को पता कैसे चला कि मारो कैरेक्टर आने वाले हैं। तो गाइस, अब देख सकते हो ये रहा गैरेना की तरफ से पोस्ट किया हुआ ऑफिशियल वीडियो, जिसके अंदर लिखा है न्यू कैरेक्टर कमिंग सून। अब गाइस, न्यू कैरेक्टर का मतलब मारो ही क्यों आने वाले हैं? तो गाइस, ये जो लोडिंग स्क्रीन है इसको देख के आप समझ ही सकते हो कि ये मारो कैरेक्टर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रियल वाला बैनर आखिर कैसा होने वाला है। तो गाइस, अब देख सकते हो ये रहा हमारा रियल वाला बैनर, जो कि आप लोगों को जब मारो कैरेक्टर आ जाएगा तब आपको इस तरीके का एक लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि अब मारो कैरेक्टर आने वाला है, इसके तो कोई भी डाउट नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग अभी बात कर लेते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी के बाद हम लोग बात करेंगे आखिर आप लोगों को मिलेगा कैसे। तो गाइस, अब देख सकते हो मैं यहाँ पे सिंपली कैरेक्टर सेक्शन में आ चुका हूँ, नीचे जाने के बाद हम लोगों को मारो कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, अब देख सकते हो ये रहा हमारा मारो कैरेक्टर। सबसे पहले गाइस बात करें अगर इसकी एबिलिटी की, तो एबिलिटी है इसका पैसिव एबिलिटी, यानी गाइस आप इस कैरेक्टर को अलग बोलो, क्रोनो बोलो, उकोंग बोलो, किसी भी कैरेक्टर के अंदर इसकी एबिलिटी को यूज कर सकते हो। ये सबसे ओपी और अच्छी बात है। तो गाइस, ये तो हो चुका है। अभी बात करते हैं इसका ऑफिशियल इमोट। आप देख सकते हो यहाँ पे इमोट काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे सीटी मार के ये पंछी को बुलाता है, उसके बाद गाइस आप देख सकते हो पंछी नहीं, एक्चुअल में ये फाल्कन पेट है जो हम लोग को फ्री में मिला था। तो गाइस, ये हो चुका है हमारा। अभी बात करते हैं कि आखिर इसका एबिलिटी क्या होने वाला है। तो गाइस, इसका एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जब ये कैरेक्टर लेवल 1 पे होगा तो गाइस आप देख सकते हो डैमेज इंक्रीज विथ डिस्टेंस, यानी गाइस जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डैमेज इंक्रीज होने वाला है। और गाइस, जब ये कैरेक्टर लेवल 1 पे होगा तो गाइस ये 5% ज़्यादा डैमेज देने वाला है। वैसे ही गाइस, जब इसको आप लेवल 6 तक कर लोगे, मतलब मैक्स कर लोगे, तो ये 25% तक ज़्यादा डैमेज आप लोगों को देने वाला है। अब गाइस, ये परसेंटेज क्या होने वाला है चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। गाइस, मान लीजिए आप किसी को 100 का डैमेज देते हो, तो गाइस अगर 5% ज़्यादा होगा तो गाइस वो डैमेज 105 का पड़ेगा। वही गाइस, अगर आप इस कैरेक्टर को लेवल मैक्स कर लेते हो तो गाइस यहाँ पे 25% तक बढ़ जाएगा डैमेज, यानी गाइस आप अगर आप किसी को 100 का डैमेज देते हो तो गाइस वो डैमेज बढ़ के हो जाएगा 125। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ओपी और घातक कैरेक्टर होने वाला है। और गाइस, आप सभी को पता होगा जितना दूर से आप मारते हो, दूर से मारने पर डैमेज कम हो जाता है, लेकिन गाइस अगर आप इस कैरेक्टर को यूज़ करेंगे तो गाइस आप लोग को ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है। तो गाइस, ये हो चुका है इसका फर्स्ट एबिलिटी। अभी बात करते हैं इसकी सेकंड एबिलिटी के बारे में। सेकंड एबिलिटी आप देख सकते हो, डैमेज टू मार्क एनिमीज इंक्रीज बाय 1%, यानी गाइस अगर आप किसी भी एनिमी को मारोगे जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्क्ड है तो आपको यह डैमेज ज़्यादा मिलने वाला है। अब गाइस, मार्क एनिमी क्या होता है? गाइस मान लीजिए आप मोको कैरेक्टर को यूज़ करते हो, तो गाइस मोको कैरेक्टर को क्या होता है, एक बार जैसे आप उसको डैमेज देते हो उसके बाद उसके सर के ऊपर एक मार्क आ जाता है। इसी टाइम पर अगर आप ये कैरेक्टर को यूज़ करके गोली मारेंगे तो गाइस यहाँ पे डैमेज 1% तक बढ़ जाएगा। और गाइस अगर आप इस कैरेक्टर को मैक्स कर लेते हो तो गाइस ये 3.5% तक बढ़ने वाला है। अब गाइस 3.5% काफ़ी, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, फिर भी गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो गाइस ये हो चुका है इस कैरेक्टर का एबिलिटी। अभी सिंपली बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को ये कैरेक्टर मिलेगा कैसे। सो गाइस, अब देख सकते हो ये रहा मारो कैरेक्टर का ऑफिशियल पोस्टर, गेट मारो फॉर फ्री, यानी गाइस आप लोगों को मारो कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। कलेक्ट ड्रॉप आफ्टर मैच, यूज इट टू स्पिन एंड गेट गारंटेड मारो कैरेक्टर फ्रॉम वेब इवेंट। अब गाइस जब वेब इवेंट आने वाला है तो गाइस आप लोगों को एक ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप मैच टोकन मिलने वाला है। आफ्टर ड्रॉप मैच टोकन क्या होता है? गाइस मान लीजिए आप किसी मैच को खेल रहे हो, मैच खेलने के बाद जैसे आप बैक करोगे तो आप लोगों को एक टोकन मिल जाएगा। आपको सिंपली उस टोकन को यूज़ करना है। जैसे उस टोकन को यूज़ करेंगे तो गाइस आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर मिलने वाला है। अब गाइस सवाल आता है कि आप लोग उस टोकन को यूज़ कैसे करोगे? तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे यूज इट टू स्पिन, यानी गाइस आप लोग को एक स्पिन का इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ से आप लोग स्पिन कर पाओगे। गाइस सबसे खुशी की बात यहाँ पे ये होने वाला है कि आप लोग को एक भी डायमंड खर्च करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली उस टोकन को यूज़ करना, यूज़ करके स्पिन करना, जैसे स्पिन कंप्लीट करोगे तो गाइस आप लोग को ये वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात कर लेते कि आप लोग को ये वाला कैरेक्टर कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस गैरेना ने जहाँ पे पोस्ट किया वहाँ पे डेट के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन गाइस अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है ये वाला कैरेक्टर। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।